गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कोरोना महामारी दौरान मरीजों लिए कोरोना केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। बीते दिन जिथे तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो और गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब पातशाही दसवीं आलमगीर लुधियाना विखे कोरोना केयर सेंटर स्थापित किए गए। उथे ही हुण हलका पुलाथ दे रॉयल रिजॉर्ट विखे भी कोरोना केयर सेंटर स्थापित किया गया, जिसकी रस्मी शुरुआत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर जी और सीनियर मीत प्रधान सरदार सुरजीत सिंह पिटेवट होना वालों की गई। इस मौके युवराज भुपिंदर सिंह और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के होर आगू भी मौजूद रहे। भयानक बीमारी चल रही है कोविड-19 की, इन्हे दुनिया नु हिला के रख दिता है। किसी भी देश विच पता कर लो तो लखां की गिनती च अज जिहड़ियां मौतां हो चुकी हैं। भारत एक ऐसा देश है जिहड़ा बहुत संघनी आबादी वाला देश है और इत्थे जिहड़ा हुण सैकंड टर्म आई है इहदे विच कोविड-19 का फिर ज़्यादा उस तरह जोर पिया जिहड़ा पहले टर्म दे विच सी। घर घर दे विच अज इस बीमारी ने बहुत वड्डी दहशत फैलाई हुई है। मैं समझदी हाँ कि जे असीं सारे रल के लड़ाई लड़ांगे फिर कितें जाके शायद साडी कोई कामयाबी हो सके, क्योंकि देशवासियों को बचाना साडा हर स्टेट का अपने अपने स्टेट के लोगों को बचाना मुढ़ला फर्ज है। असी क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक बहुत जिम्मेवार संस्था है जिहड़ी लोगों की नुमाइंदगी करती है, खास करके सिखां दी गुरु नानक नाम लेवा संगत की नुमाइंदगी करती है। इस संस्था ने हमेशा सरबत दे भले की गल की है। इस संस्था ने जिथे भी कोई भीड़ बने, किसी की तकलीफ हो, किसी की कोई लोड़ हो, अगे जा के अपनी हाजिरी लवाई है। केवल हाजिरी ही नहीं लवाई, उस मुसीबत का पूरा टाकरा किया। भावें कित किसान की गल आ गई है, मनुखता के दर्द की गल आ गई है, हड़ा सोकों की गल आ गई है, भावें जा कि कोई भी भीड़ बनी है बाकी स्टेटा च भी जाके उत्थे जाके अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई है। अज क्योंकि पंजाब दे विच असीं महसूस कर रहे हैं कि पंजाब की सरकार कोलों इस वेले वह सोर्सिज नहीं पैदा किए जा सके जिन्हां सोर्सिज दे नाल इह भयानक बीमारी का टाकरा जिहड़ा दिल खोल के कर सकन। बड़ा अज गंभीर मसला बनिया होया, बड़ी तकलीफ हुई है। जिथे साडे प्रधान साहब जदों मीटिंग की, श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने बड़ी चिंता जाहिर की कि इहदा हल की किया जाए। उस वेले फिर असी इह सारिआं ने बैठ के सलाह बनाई, एग्जैक्टिव श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, साढ़े सीनियर मीत प्रधान साहब बैठे ने, साढ़े डीनस यूनिवर्सिटी के बैठे ने डॉक्टर ए पी सिंह जी, डॉक्टर शकीन सिंह जी, सारे वाइस चांसलर रजिस्ट्रा जिन्हें भी साढ़े प्रिंसीपल सन, असी सारे मीटिंग की और यह सलाह बनाई कि ये ऑक्सीजन जी अज घाट करके लोग मर रहे हैं, ये ऑक्सीजन किदा पूरी की जा सकती है। जिथे साढ़े बल्ला गुरु रामदास हॉस्पिटल के हज़ारों की गिनती ओपीडी चलती है, पेशेंट्स हज़ार बैड का उत्थे हस्पताल है। इदा ही बाबा दीप सिंह शहीद गुरुद्वारे के कोल साडा बहुत वड्डा हॉस्पिटल है। असी फिर उस दिन फैसला किया कि जिहड़ा साडा शहर के बाबा दीप सिंह जी शहीद का गुरद्वारा है उन्हूं असी पूरे दे पूरे कोरोना असी डेडिकेट कर दिता। सारे स्टाफ ने उस दिन तो लैके एक एक रात एक एक दिन मेहनत की है कि जेड़े साढ़े उत्थे पेशेंट आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जे ये कह लीए कि उन्होंने किन्नी केयर की जाती है। आप साढ़े डॉक्टर बैठे ने, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर डॉक्टर ए पी सिंह जी डीन साहब भी आप जाके मरीजों के उन्होंने चैक करना। साढ़े सारे जेडे पैरामेडिकल वाले जे डॉक्टर्स है दिन रात बेच रह के मुलाजमान की तकलीफ पुछते हैं, उसकी हालत दसते हैं, उन्हें की खाने चाहिए, उस सारी चीज़ का प्रबंध करते हैं, डाइट का ध्यान देना, मेडिसिन का ध्यान देना। और मैं ये गल कह सकती हूँ कि गुरु रामदास जी की इन्नी कृपा है, बाबा दीप सिंह शहीद की इन्नी कृपा है कि उस हॉस्पिटल में अजे असं ये कह सकते जीरो डैथ रेट, अजे तक उ जीरो डैथ रेट है कि साढ़े सानू कोई इन्नी पीड़ा नहीं आई कि जो कोई किसी की जान खत्म हो जाए तो उतों लैके जो लाश जाते हैं उस वेले डॉक्टर्स की भी बड़ी परेशानी होंगी है, तो हॉस्पिटल वाले भी बड़ी परेशानी होंगी, खास करके सानू संस्था वाले बड़ा महसूस होंगे।
इस करके असी पूरा ध्यान तनदेही दे रहे हैं। आने वाले समय जिथे असी अपने हॉस्पिटल्स नू पूरा स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, असी दो वड्डे जनरेटर जिहड़े कि करोड़ों विच ने, साडी लोड़ है, गल करोड़ों की नहीं है, गल है खर्च करके असी लै रहे हैं कि साडे किसी तरह हॉस्पिटल्स दे विच मनुखता की सेवा असी परफेक्टली कर सकीए, पूर्ण तौर पर कर सकीए। वो असी जिथे दो जनरेटर इमीजिएट ऑक्सीजन जनरेटर जड़े है जिन्होंने ऑक्सीजन पैदा करनी है, सिलेंडर उन्होंने वो तो ऑक्सीजन जी प्रोवाइड करनी है वो खरीद रहे हैं। उत्थे नाल साडा प्लांट जिहड़ा लगना है ऑक्सीजन का, उहदे वास्ते भारत सरकार दीआं सारीआं मंजूरियां हो चुकी हैं, साडा सारा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। जिहड़ी आईनॉक्स जिहड़ी कंपनी है लिक्विड ऑक्सीजन जिन्होंने प्लांट लिया के रखना, उत्थे जिन्होंने लिया के टैंकर रखना, उत्थे वो टैंकर लियाउण विच साडा एमओयू हो चुका है। कदों आवे, छेती आना सी एक हफ्ते दे विच, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उत्थे हदायतां जारी कर दित्तियां हन कि जिथे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी टैंकर केवल उत्थे जा सकदा है। सानू बड़ा दुख है कि अज इन्ना चिर दे असी बहुत रिक्वेस्ट भी पा रहे हैं, असी चिट्ठियां भी लिख दित्तियां ने, और हॉस्पिटल्स वाले स्टाफ वालों भी, साढ़े सारे मैनेजमेंट वालों भी बहुत तरले भी पाए जा रहे हैं कि वो टैंकर जिहड़ा जल्दी लिया जाए। जिस दिन साडा टैंकर उत्थे लग गया, जिस दिन साडे ऑक्सीजन दे जिहड़े जनरेटर है वो काम करन लग पए, सिर्फ दो हफ्ते का बाकी टाइम है, असी घट्टो घट्ट उत्थे 70-80 तो वध बैड जिहड़े है साडे 3 लैवल दे होणगे, जिथे असी ऑलरेडी साडे 26 तुसीं कह सकते हो इस वेले साडे वेंटीलेटर चल रहे है, उस वेले असी हो सकदा कि 100 बैड तक भी असी उत्थे ये जिहड़ी है लोगों नू मुश्किल जड़ी है सुख दे सकी। सो मैनू आस ही नहीं, विश्वास है कि मेरा मेहनती स्टाफ जड़ा है, जो डॉक्टर्स ने, जो साढ़े उत्थे इंचार्ज ने हॉस्पिटल्स दे, वो इन्नी डेडिकेशन नाल लगे हुए हैं कि दिन रात उन्हें चिंता बनी है कि वो उस नूं किसी ढंग नाल कोई मरीज उत्थों वापस ना जा सके। और मेरे मन च भी है कि मन लो साडा कपूरथला इत्थे असीं सेंटर खोल दिता, इत्थे मरीज़ आउणगे 3 लैवल दे भी, फस्ट सैकेंड लैवल तक असी इलाज करते हैं, जदों 85 तो ऑक्सीजन थले आ जाए उदों फिर थर्ड लैवल में सीरीयस कंडीशन चला जाता मरीज़, वो असी इत्थे जमा नहीं कर सकांगे, नहीं दाखिल कर सकांगे। सानू वो वड्डे हॉस्पिटल च जिथे ICU है उत्थे भेजना ही पएगा, जिथे थर्ड लैवल की गल होगी, जिथे उत्थे जाके सीरीयस कंडीशन नू उत्थे दाखिल करना होगा वो सानू भेजना पवेगा। मैं परसों CMO साहब, अपने CMO साहब ना भी गल कर रही सी, चीफ सैकटरी साहब ना भी गल कर रही सी कि ज़िला कपूरथला एक ऐसा पछड़िया जिला है हेल्थ पक्ष तो, कि सिर्फ जो उत्थे 4 वेंटीलेटर लगे हुए है ज़िला कपूरथला दे CMO अस्पताल दे विच, वड्डे अस्पताल दे विच, सिविल अस्पताल विच, ते डॉक्टर साहब तुसीं हैरान होवोगे केवल एक वेंटीलेटर काम कर रहा, केवल एक। हुण जिहड़ा ज़िला एडा वड्डा लोकां दी सेवा विच होवे, उस जिले दे विच एक वेंटीलेटर होवे, बीमार किन्ने होणगे, किन्ने दाखिल हो सकते हैं, यही चिंता सानू दिन रात खाई जा रही है। और मैं सोच रही हूँ जिन्नी जल्दी साडे वो फंक्शनिंग होवे, किते कोई इत्थे मुश्किल आवे, कम से कम असी अपनी पा के एंबूलेंस दे विच उन्हूं इमीजिएट उत्थे पहुँचा दईए, यही मेरे मन ते चिंता है। जलंधर विच भी पता किया, उत्थे 2 ना होणगे, 3 होणगे, 3 ना होणगे, 4 होणगे, सारे दुआबे नूं मैं जे देख लवां, सारे दुआबे विच वध तों वध भी जे प्राइवेट हस्पतालां नूं छड्ड के, हो सकदा उन्हां कोल 2-4 हो सकदे है, पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स दा तुहानूं भी पता कि लोगों नूं किन्ना मुश्किल लगता है। सरकारी हस्पतालां दी पोजीशन नूं देखदे होए असी बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किसी ढंग नाल धन श्री गुरु रामदास जी दे उस मैडिकल हॉस्पिटल नूं, उस यूनिवर्सिटी नूं असी इन्ना कुछ स्ट्रेंथ नहीं कर दईए कि जे 100 बैड साडा तैयार हो जाए कोई ये 2 हफ्तों के 3 हफ्तों के, फिर शायद असी लोगों की सही ढंग नाल वध तों वध सेवा कर सकांगे। पर अज क्योंकि साडा तीसरा सेंटर खुलन जा रहा, ये केवल एक फस्ट एड की तरह, घर में बंदा बीमार होंदा वो झजकता है कि मैं हुण बाहर किदा जावां, हस्पताल च जाएगा उन्हूं खर्चे का भी डर है, उन्हूं चिंता भी है मैं किदा उत्थे रहांगा, सारा ट्रीटमेंट मेरे किदा होएगा, क्योंकि दहशत इन्नी बन गई है कि सरकारां वल्लों भी
जो प्रचार किया जाता है वो यही है कि जो हस्पताल जाए वह छेती वापस नहीं आता। लोगों डर बह गया, वो डर कढ़न की खातर असी यह सोचा कि असी इन सेंटर कोविड केयर सेंटर बनाइए जिन्हों के असी एक कंसनट्रेटर रख के जड़ा कि इतों मिल ही नहीं रहे। पूरे इंडिया चो असी जोर ला लिया, हर स्टेटा जिनी मेहनत साडे मैडिकल अफसर कर रहे हैं, साडे जिम्मेवार सज्जन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अज जे इतें लगे हैं ये 10 असी ये मुहैया करा सके हैं। ये दुबई तो आए है, दुबई तो असी मंगाए हैं, फिर उस दिन लाए सी और रशिया तो आते सके, कुछ असी घर चो कट्ठे किए हैं। सो इन्नी मेहनत कर रहे हैं भी किसी ढंग असी लोगों की सेवा तो पिछे ना हट सकी। ज्यों ज्यों साढ़े आई जाएंगे, हुण अमेरिका तो असी किया होया शायद छेती आ जाण, यूके से किया होया शायद छेती आ जाण, पेमेंट भी हो चुकी उन्हां दी, पर क्योंकि लाउण दी दिक्कत आ रही है। एक होर सी जिन्हां ने मिलटरी का लैके आना सीगा, शिप आना सी उन्हां दा कारगो राही, वह भी अज तक नहीं पहुँचिया क्योंकि जो उन्होंने आना उत्थे डॉक्टर साहब दस रहे सन कि असी 100 का उन्होंने ऑर्डर दिता होया। ज्यों ज्यों आउणगे असी इन्हां नूं स्ट्रेंथनिंग भी करांगे। और इस गल का यह फायदा हो रहा है, तुसीं हैरान होवोगे कि जिहड़ा दमदमा साहब चलाया उन्हूं अजे चौथा दिन है, असी चौथे दिन बाद फिर ये लगे लाउण तीसरा। उहदे विच तुसीं हैरान होवोगे कि 18 असी 22 मशीन लाईआं सी, 22 दीआं 22 फुल चल रही हैं। जिहड़े उत्थों आ के मुड़ के जा रहे बैड ना होण करके, मशीन ना होण करके कंसनट्रेटर, वह भी घट्टो घट 35 मुड़ के गए है। जिहड़े सीरीयस पेशेंट सी वह घट्टो घट 40 उन्होंने मोड़े है कि तुसीं वड्डे हस्पताल च लैके जाओ, इत्थे दा इलाज नहीं। मैं आलमगीर पता किया, उत्थे भी यही प्रॉब्लम है, सीरीयस पेशेंट आई जाते हैं पर असी उन्होंने रख नहीं सकते। असी माफ़ी मंगते हैं कि इन सेंटरों में वह रखे नहीं जा सकते, उन्होंने ICU की लोड़ है, ICU नहीं चलाए जा सकते हर थान के उत्ते, ये वेंटीलेटर नहीं रखे जा सकते हर थान के उत्ते ICU तो बिना। सो मैं समझती हाँ कि साडा इन्ना कु है कि वह घरों जदों आते ठीक होकर चले जाते हैं। मैं संतुष्टि महसूस करती हाँ कि जे 100 मरीज़ अज तक आलमगीर च आया, उहदे चों जे 20-25 सीरीयस आए मोड़े है, 80 विच्चों जे सारे ठीक हो के जाण, मैं समझती हाँ कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी एक मुख्य सेवादार होने के नाते असी सारे ये माण महसूस करते हैं कि गुरु पातशाह ने जे साड़ी सेवा लाई है तो साडा ये स्टाफ पिछे खड़े है, पैरामेडिकल वाले तो डॉक्टर्स भी, तो दूजे भी सारे काम करने वाले नर्स साड़िया। हुण ये दसो कि सब तो वड्डी मैं इन्हां दी कुरबानी सभी दी, जिहड़े लोग मरीज़ तो डर जाते हैं, घर के लागे नहीं आते, भैन भरा लागे नहीं कोई जाता, मौत हो जाए संस्कार तक नहीं कोई जाता, किसी के घर कोई अफसोस हूँ नहीं जाता, पर शाबाश इन्हां बच्चों के जिन्होंने अपनी जान को खतरे च पा के लगातार, यही एक दिन महीनिया बदी पता नहीं समा लग जाए, 15 दिन लगन, महीना लगे, 2 महीने लगे, तो इन्होंने सारिया ने अपनी जान जोखम च पाई है। ये मैं उन्होंने माँ प्यो का भी धन्यवाद करती हूँ, अपने सारे सीनियर डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करती हूँ, अपने स्टाफ मैंबर्स का धन्यवाद करती हूँ जिहड़ी अपनी संस्था की इस रिक्वेस्ट नूं मन के अपना फर्ज पहचान कर रहे हैं कि वह जाके उन्हां मरीजां नूं जिन्हां नूं घर दे भी संभाल नहीं सकते, जिन्हों हाथ लाउण तों डरदे है, उन्हां नूं जाके संभालना भी है। और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इस वेले जिहड़ा तीजा खुल रहा है, मैनूं इस गल की बड़ी राहत महसूस हो रही है कि इन्ने पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट विचों की हर हल्के वाले। हुणे मैनूं पवन कुमार टीनू जी का फोन आ गया कि जलंधर में जरूर प्रबंध कर दो, मैनूं संगरूर तो फोन आए कि साढ़े संगरूर जरूर लाओ, मुक्तसर साहब तो, गिद्दड़वाहा साहब तो, पटियाले तो, पठानकोट तो, इतों तक जम्मू कश्मीर तो सानू एक उन्होंने ईमेल की, उन्होंने लिख के भेजिया कि बीबी जी जिथे सिखा की आबादी है उत्थे साड़ी बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है, कृपा करके तुसी इत्थे आ सकते हो। असी जवाब दिता कि असी आवांगे लेकिन थोड़ा जिहा सानू पहला पंजाब च मेहनत कर लैन दो, असी तुहानू कंसनट्रेटर असी भेज सकते हैं जो साढ़े को पहुँच गए, पर तुसी उत्थे डॉक्टर्स का प्रबंध कर लो क्योंकि एक हॉस्पिटल एक संस्था इन्ने डॉक्टर्स का इन्ना स्टाफ नहीं ला सकती। हुण इत्थे देख लो, इत्थे असी 25 बैड तैयार किया लेकिन इत्थे 25 ही डॉक्टर लगनगे, डॉक्टर्स भी नर्सज भी 25-30 का स्टाफ इतने लगातार रहेगा। हुण इन्ना स्टाफ तिना थावों लग गया,
बाकी थावां ते लगना है। रोपड़ डॉक्टर चीमा साहब कह रहे सी कि मैं स्टाफ का प्रबंध कर लैना, तुसीं कहण दसण दा मतलब है हर कोई सोच रहा है कि ये इन्ना वधिया लोगों नूं फायदा हो रहा है, घरों बाहर निकल के हस्पताल नहीं सी जांदे। जिन्हों फस्ट सैकंड लैवल का भी हो ना जो हस्पताल जाते हैं जो डरते हैं कि साडा खर्चा बड़ा होना, इतों फिर उस थर्ड पोजिशन सिचुएशन च आ जाता जो कंडीशन इन्नी खराब हो जाती है, फिर तो सभी लोग बंदा अपने आप में समझदा हुण मैं खत्म ही है, परमात्मा के भरोसे समझदा। सो मैं ये सुकून महसूस करती है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सारी संस्था ने सारे होर काम जिते चल रहे हैं, प्रचार चल रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं, उत्थे असी सब तो पहल जारी इस वेले वो कोरोना के मरीजों लिए दे रहे हैं। वाहेगुरु कृपा करे, वाहेगुरु कृपा करे कि गुरु रामदास कृपा करे, क्योंकि ये सब कुछ जरा करना गुरु ने ही है, एक गुरु रामदास जी की कृपा होनी है, एक धन गुरु नानक साहब की कृपा होनी है। सारे मैं अपने वीर भैनों को बेनती करांगी कि इत्थे उही मरीज आवे जिहड़ा मरीज अजे तक बहुता सीरीयस कंडीशन है, जिहदी अजे ऑक्सीजन लैवल 85 तो उपर है। जे 85 तो थले वाला मरीज है उन्हूं इत्थे असी नहीं रख सकांगे, साडी मुश्किल बन जाएगी, साडी मजबूरी बन जाएगी। मैं धन्यवाद करती हाँ अपने पैलेस वाले बच्चों का, अपने वीरां दा, बिट्टू जी उहदा बेटा रिक्की जी सारे चाओ चाई उदन दे इह लगे आ कि सानूं सेवा दा मौका मिलिया और दिन रात एक करके वो लगे है कि सानू मैं इनू आप ही डकदी कि तुसी अंदर नहीं जाना, तुसी इस तरह नहीं करना, बस तुहाडा इन्ना ही बड़ा कि जो सहूलत जिहड़ी तुसी देनी है वो तुहाडा सहयोग दिओ। सो अंत विच मैं जिथे सारे अपने भैन भरावां नूं बेनती करांगी, हलका पलाथ जां जिला कपूरथला जां नेड़े तेड़े दे पिंडां वालिआं नूं कि जिहनूं भी कोई मुश्किल होवे घर नहीं बैठना, जरूर इत्थे आओ, असीं अपनीआं कंसेंट्रेटर होर वधा दांगे, जदों साडे कोल आई गए असीं इहदी होर स्ट्रेंथनिंग करांगे। लेकिन घर बैठ के तुसीं जे इदां ही अपनी बीमारी वधा ली, अपना नुकसान कर लिया, ये नुकसान केवल तुहाडा नहीं ये साडा नुकसान है, क्योंकि मेरे परिवार है साडा सारी कौम का बड़ा वड्डा नुकसान हुंदा है। हाथ जोड़ के बेनती है जिहड़ा सीरीयस मरीज होवे वह सानू आ के दस देन, असीं उन्हां नूं एंबूलेंस से आप पहुँचा देंगे, जिते कहणगे जे जलंधर कहणगे जलंधर पहुँचावांगे, जिथे उन्हां नूं बैड मिल जाए उत्थे पहुँचावांगे, कोई किराया नहीं होएगा, कोई खर्चा नहीं होएगा, इत्थे भी फ्री डाइट, क्योंकि साडा फर्ज है असीं सेवा कर रहे हैं, डाइट जिहड़ी है वह इन्नी कु हैल्दी होएगी कि मरीज जिहड़ा ये नहीं कह सकता कि मैनूं काढ़ा नहीं मिलिया, मैनूं चाह नहीं मिली, मैनूं लंगर नहीं चंगा मिलिया, वधिया प्रसादा वधिया फ्रूट वधिया उन्हूं जो सैलड जो डॉक्टर्स के हिसाब ना उहदी डाइट बनती है उन्हूं दिता जाएगा। मैं धन्यवाद करती हाँ सारे स्टाफ मैंबरस का भी, इलाका निवासी सहयोग देन, तो ये भी ना बेनती करांगी जिस घर च असी SMO को लिस्टा लैन लगे, जिस घर के भी कोई क्वारंटाइन किया गया आइसोलेशन दे विच है वो सानू जरूर टैलीफोन करके दस दें, उन्होंने असी जी डाइट है फूड जोड़ा वो उन्होंने घर पहुँचावे जो जे वो काम करने तो असमर्थ है तो असी उन्होंने घर उन्होंने पैकिंग करके लंगर असी पहुँचावे। ये सारी क्योंकि साढ़े श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब ने भी ऐलान किया हो कि सारे जिले सारे हल्कों अपने अपने हल्कों के ध्यान रखो कि कहड़ा मरीज जोड़ा घर क्वारंटाइन किया हो तो वो घर के वो लागे नहीं जा सकते जो काम नहीं कर सकते उन्होंने घर च लंगर पहुँचाओ प्रशादा पहुँचाओ ता जो उन्हें सेवा हो सके। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है जो घर च बैठा होया वो नहीं हस्पताल च गया अपने घर के उन्हें क्वारंटाइन किया होया आइसोलेशन में है वो भी सानू दस दें असी उन्होंने की मदद कर सकते हैं। सो मैं प्रेस वाले बेनती करा क्योंकि मैं सवेरे ही एक टैलीफोन आया सानी साहब जी का कि साढ़े दफ्तर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बस छेती जो ही पहुँचे उन्होंने दफ्तर च भी मैं पहुँचावे, वो कहते एक कंसनट्रेटर सब दे दो। इस करके तुसी ये देखो यदा फायदा की है, यदा फायदा है कि ये ऑक्सीजन असी मुल नहीं लेंगे, ये आप ही नैचुरल हवा के इन्हें ऑक्सीजन पैदा करके मरीज में देनी ता छेती हो रहे ठीक, ये नैचुरली आप असी सिर्फ बिजली नाल प्लग जोड़ना है, इन्हें आप पैदा करके वो ऑक्सीजन मरीज में देनी। यही मैं उन्होंने पूछा सी कि सब डिवीजन हस्पताल दे विच ऑक्सीजन पाइपा पाई हुई हैं, ICU दे कमरे बने हुए हैं। मैं चीफ सैकटरी साहब नूं कहा सी किसी ढंग नाल सानू अलाओ करो
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਈ ਸੀ ਯੂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਅਸਮਰਥਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਏ ਪੀ ਸਰ ਪੁੱਛਿਓ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਯੂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਵਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ। ਘਰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੈੱਥ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਡੈੱਥ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਹੋ ਪਿੱਟੇਵਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਫਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਲਾਏ ਔਰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੱਕ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਲਾਓ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਦ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਪਤਾ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਲਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਫਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਤੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਹਿਣ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਆ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਪੜ, ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਉਡੀਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਫਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਡਾਕਟਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜਡ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਨ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸਭ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜੁਟ ਜਾਣ।
ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।